ये हाउस नंबर 1111 है, सेक्टर 8C में। ये एक नीम का पेड़ है, काफ़ी पुराना था लेकिन हेल्दी ट्री था। तो आज जो है अचानक लगभग 6 बजे के करीब ये पेड़ अपने आप से गिर गया और थैंकफुली कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई उस समय कोई व्यक्ति आसपास था, ना कोई गाड़ी थी और किसी बिल्डिंग के ऊपर भी नहीं है, सड़क पे गिरा है, जिसको हमारे हॉर्टिकल्चर के लोगों ने अभी क्लियर कर रहे हैं और लगभग भी हो जाएगा। तो कुछ रेजिडेंट्स वगैरह वो कर रहे हैं कि हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, हमारे पास हमारे जो ट्रीज की ऐसे ब्रांचेस हमारे घर के अंदर आ रखी हैं, उसकी ट्रिमिंग के लिए कई बार रिक्वेस्ट करते हैं। इसका ऐसा है जी, जो एक जनरली जब से ये कार्मल इंसिडेंट हुआ है तो तब से एक वैसे पैनिक सा आ गया लोगों में, वो हर पेड़ को वो कहीं ना कहीं वो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उसको काट दिया जाए। तो वो एनवायरनमेंट को देखते हुए हम हेल्दी ट्री को तो नहीं, लेकिन जहाँ पे हाँ कोई दिक्कत होती है वो टाइम टू टाइम हम, और इंक्लूडिंग इनके यहीं पे साथ में एक और पेड़ था उसकी हमने प्रूनिंग पहले की, आप देख सकते हैं टहनियाँ कटी हुई हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा पेड़ है, तो ये आ रहा है जिसकी जो डेंजरस है या जिसमें रिक्वायर्ड है उसमें हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तुरंत, मेरे पास भी कंप्लेंट आती है, हम तुरंत उसकी जो भी बनती कार्रवाई, प्रूनिंग करने की ज़रूरत है, हैवी प्रूनिंग की ज़रूरत है, हम उसको करते हैं। लेकिन ये हम देख सकते हैं ये ना तो कोई डेंजरस ट्री है, हेल्दी बिल्कुल नीम का पेड़ है, ना इसको कोई बीमारी लगी है। आपके हॉर्टिकल्चर कुछ बताया रीजन क्या कारण है ये अपना भी पेड़ भी गिरते जा रहे हैं? आजकल थोड़ा बरसात के कारण जो हमारी ज़मीन है वो नीचे से नमी ज़मीन में ज़्यादा होती है, तो एक थोड़ा चांसेस रह जाते हैं कि पेड़ जो है, बाकी भी शहर में हम देख रहे हैं, यहीं 8C में हफ्ता पहले भी एक पेड़ ऐसे गिर गया था उधर शोरूम की बैक साइड पे। तो ये थोड़ा सा बरसात के टाइम में, क्योंकि पेड़ गीला हो के भारी हो जाता है और जो नीचे ज़मीन है वो नरम हो के, नम हो के जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ के वो गिर जाता है कई बार ये।